अस्सलाम वालेकुम, मैं सुमन मलिक एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आज हम जा रहे हैं कॉलेज और ये होने वाला मेरे कॉलेज का लास्ट दिन। ऑलमोस्ट मेरा डिग्री अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया विद नो बैकलॉग्स। मेरे साथ मेरे भाई अरमान भी रहेगा, तो चलो मिलते हैं रास्ते में। क्या मजा आता है, अंत तक बने रहना। तो देखो, सफ़र का आगाज़ हो चुका है। पिकअप करना अरमान को, अरमान इसी तरफ रहता है, बट अभी वो मार्केट पहुँच चुका है। मार्केट से पिकअप करके सीधे निकलना है कॉलेज के लिए। पढ़ लेते सफ़र की दुआ। सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा फ़मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वाइना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो अरमान हमें मिलेगा इस तरफ, यहाँ पर वेट कर रहा है वो मेरा। तो देखो, साइकिल की दुकान पर बैठा हुआ है, ये इंजीनियर है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। चलो गौर से देखो, ये इंजीनियर है, साइकिल दुकान पर है अभी। नहीं, वही मिल जाएगा, वही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कॉलेज क्लियरेंस कराने के लिए, तो उससे पहले बता दे, सीधे कॉलेज पहुँच मत जाना क्लियरेंस कराने के। उसके लिए एक फॉर्म आता है, पहले उस फॉर्म को तुम निकाल लेना, फॉर्म को फिल कर लेना। तुम्हारा क्या है ना कि अगर किसी डिपार्टमेंट तुम्हारा ड्यूज, जैसे लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है उसमें तुम्हारा बुक ड्यूज है या फिर कोई फी ड्यूज है, तो उससे क्या है ना कि क्लियरेंस नहीं होगा। इसलिए पहले तुमको सारे डिपार्टमेंट से क्लियर कराना होगा दैट यू डोंट हैव एनी ड्यूज एंड ऑल। ये है मेरा स्कूल, केरला इंग्लिश मीडियम स्कूल। यहाँ से मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन उससे मैंने कंप्लीट किया था। काफ़ी अच्छी स्कूल है और जो एजुकेशन सिस्टम इस स्कूल का मुझे काफ़ी सही लगता है भाई। देखो ये रहा अपने कॉलेज का एंट्रेंस, यू कैन से चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज। दिस इज माय कॉलेज। देखो तो सेफली चलो, यहाँ पे मेंशन कर देते भाई, बॉयज हॉस्टल विजिटर्स। अरमान मेरा भी लिख देना। जैसे कॉलेज एंटर करना तो यहाँ पे तुमको रजिस्टर करना होगा, मेरा भी लिख देना दोस्त। ये है बॉयज़ हॉस्टल, तुम्हारा सीनियर बॉयज़ हॉस्टल। यहाँ पे तुमको सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, स्पेशली बॉयज़। उसके जस्ट बाद में तुमको मिल जाएगा फर्स्ट ईयर के। ये अपना सेंटर लाइब्रेरी है, काफ़ी नीचे बना हुआ है वो, ऑलमोस्ट सारी तो नहीं बट हाँ काम चलो, तुमको बुक्स यहाँ मिल जाएंगी। तो जो मेन रीज़न है हम लोगों का आज कॉलेज आना, वो ये है कि अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करना, क्लियरेंस का फॉर्म भी फिल करके डिपॉजिट करना और कॉशन मनी लेना। अच्छा चलो, तो ऐसा है कि प्लान हम लोग चेंज करते, पहले हम लोग जा रहे थे एडमिन में, अब पहले हम लोग जाएंगे लाइब्रेरी में। वहाँ पे लाइब्रेरियन जो भी हैं उनसे साइन लेना होगा कि हम लोग कोई बुक्स जो है वो ड्यू नहीं है, इसलिए जो पहले नीचे का काम करते हुए ऊपर जाएंगे हम लोग। चलो तो देखो दोस्त, ये है अपना सेंट्रल लाइब्रेरी। ये रहा अपना पढ़ाकू अरमान। बैग देखो कितना बड़ा बैग लेकर के आया, माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे। चलो ये रहा अपना सेंट्रल लाइब्रेरी। चलो आज लाइट है, पिछले बार तो लाइट भी नहीं था। तो फॉर्म निकालो। तो देखो फॉर्म भरा चुका है, अब बस जा करके सर से साइन लेना। ये लाइब्रेरी यहाँ पर क्या ज़्यादा आवाज़ कर रही है। अरे भाई ये अरमान। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर? ये हमने सर इनको पहले इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, अपने लाइब्रेरी सर हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं पढ़ रहे हैं, उनसे कुछ बात कर रहे हैं, अरमान साइन करा दें, कुछ रिव्यूज ले लेते हैं। तो वो शायद उनके जूनियर ऐसे कुछ बात कर लेते हैं, कुछ सेल्फ स्टडी कर। और क्या हाल है भाई? क्लासेस चल रहा है क्या? सेल्फ स्टडी। अच्छा तो कौन सा तुम्हारा ईयर है? मेरा अभी थर्ड ईयर में है। थर्ड ईयर में? और आपका भाई? थर्ड ईयर। तो ये यहाँ अभी जूनियर्स हैं। कहाँ घर हुआ भाई आपका? धनबाद। धनबाद। और आपका भाई? आप भी धनबाद से ही हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिल गए। कब का आप लोग का सीज़न है? सीज़न अभी 2019 का होगा। 2020। अच्छा 2024 का। चलो भाई इतना बड़ा लाइब्रेरी तुम देख सकते हो, बहुत रेयर ऐसा होता है कि तुमको स्टूडेंट से हम पढ़ते हुए मिलेंगे। तो क्या कैसा लगा कॉलेज आपको, क्या ओपिनियन है, एडमिशन लेना चाहिए? जो भी यहाँ का ये इन्वायरमेंट है और जो तुम्हारा स्टडी जिस लेवल के स्टडी यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, इससे सफिशेंट हो?
सफिशिएंट है अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ डिमांड तुम्हारा जैसे कि शायद हॉस्टल फैसिलिटीज या फिर बुक्स का अवेलेबिलिटी या फिर कुछ और। हॉस्टल फैसिलिटीज अभी सही है, पहले से बेटर है, बट टीचर्स की अभी थोड़ी सी यहाँ पे कमी है, क्राइसिस है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, थोड़े से पैसे दीजिए तो टीचर्स की थोड़ा सा ना क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस वीडियो को देखेगा तो फोकस करेगी क्योंकि स्टूडेंट्स को थोड़े और टीचर्स चाहिए क्योंकि जो टीचर्स अवेलेबल हैं वो तो सफिशिएंट नहीं है। हो सकता है कि ऐसा भी होता है, कई बार हम लोग के टाइम पे ऐसा होता था कि एक ही टीचर दो दो तुम्हारे सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं, ऐसा ही होता है ना। अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसा लगा इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद? डे टू डे है ना, रेगुलर है? रेगुलर है। कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? अपने जूनियर्स को या फिर जो भी अपकमर्स जो भी आने वाली एडमिशन लेना चाहेंगे उन लोगों के लिए कुछ सजेशन? सजेशंस है कि माइंडली प्रिपेयर हो गया है कि क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट सिर्फ स्टडी का, अगर यहाँ पे अगर वो चाहेंगे कि हम बाहर का इन्वायरमेंट ले पाएँ, सही मार्केट प्लेस है, वैसा ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कॉलेज काफ़ी ऑड एरिया में है, काफ़ी ऑड एरिया में है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी कुछ अच्छी नहीं, खास नहीं है, खास नहीं है। माइंड पहले तो प्रिपेयर हो गया है पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए मौज मस्ती के लिए कॉलेज नहीं है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मौज मस्ती के लिए कॉलेज नहीं, बट कुछ दिन रहोगे रहने पे एडजस्ट हो जाता है फिर से। अगर गवर्नमेंट सीट मिल जाता तो काफ़ी अच्छी बात है भाई, अगर नहीं तो फिर तुम्हारा मैनेजमेंट कोटा पेड सीट यहाँ पे अवेलेबल है ही है। तो चलो काफ़ी अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर के दोस्त, तुम लोग के लिए यार मेहनत करो, उम्मीद करते हैं तुम तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, पूरा लाइब्रेरी खाली, सिर्फ दो ही स्टूडेंट्स हम लोग को मिले तो काफ़ी अच्छे लगे तुम लोग से बात करके भाई। हाँ तो ये थे कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो हमारे बेस्ट सिविल ब्रांच के ही हैं ये लोग भी। तो चलो देखिए शायद यहाँ पर पेपर वर्क हो चुका होगा। कॉलेज क्या कॉलेज सिविल का कितना बंदा प्लेस हुआ है? सिविल का सर 6 से 7 ही स्टूडेंट को लगता है प्लेसमेंट लिया होगा। हम लोग तो सर जानबूझ के प्लेसमेंट अपीयर नहीं किया, हम लोग क्योंकि आया था, हम लोग कहीं और का सेटिंग किया है वैसे। ठीक है सर, हो गया सर, थैंक यू सर, फिर अब मुलाकात होगा अगली बार सर। तो ये थे अपने लाइब्रेरी के सर, बहुत बहुत काइंड हार्टेड बंदे हैं ये। तो चलो सीधे मिलते हैं एडमिट में। सारे डिपार्टमेंट से तुम्हें सिग्नेचर लेना होगा कि कहीं पे कोई ड्यूज तो नहीं, बिल्कुल बाकी बस स्वैग को उतार लेते हैं। इतना ज़्यादा प्रोसेस, इतना ज़्यादा प्रोसीजर, इतना ज़्यादा क्राइटेरिया रहता है ना कि स्टूडेंट ना वो फ्रस्ट्रेट होकर बोला छोड़ो साला 5,000 ही तो गया। अब देखो एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दिवाली नज़दीक है, पता नहीं टीचर्स फैसिलिटी फैकल्टीज अवेलेबल हैं कि नहीं, तो मैं छोड़ी हूँ स्टोर रूम है, चलो ऊपर चलते चलते मिल जाए। दिवाली के बाद दिवाली से पहले काम है तो दिवाली बाद क्या करना करें? डिपार्टमेंट से सिग्नेचर ले लिया, रह गया CS और ECE सिविल डिपार्टमेंट। इसी तरह एक ही करके सारे डिपार्टमेंट से तुमको साइन कराना, कहीं पे कोई इशू नहीं है, ऑल थिंग इज क्लियर। अब कहाँ अगला वाला? चलो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के HOD से ज़रूरी नहीं, किसी भी फैकल्टी से तुम साइन करा सकते हो, कॉशन बनी गई है क्लियरेंस के लिए। ले जाए गाड़ी छोड़ दें, लॉक कर तो डिपार्टमेंट आओ अपन गरीब इंजीनियरिंग, चलो सिविल से ले लेते पहले। चलो हाँ चलो पहले कंप्यूटर से चलो। हाँ सिविल तो अपना है, सिविल तो अपना है, खुद भी कर सकते हैं सिविल में साइन करना भी ऐसे। एडमिन हो तो 4 साल देखो भाई, बिकॉज ऑफ कोरोना 4 साल काफ़ी स्मूथली हम लोग का कवर हो गया, मगर अब कहीं भी अप्लाई कर रहे किसी कंपनी में तो सबसे पहले वो बोल रहे कि ट्रेनिंग का भी क्या ज्ञान बांट रहे थे तो क्या है कि भाई अब कोरोना में हम लोग अपने कंप्लीट किए हैं तो उसके वजह थोड़ा सा ना वैल्यू थोड़ा सा कम मिलता है, तो जो ऑनलाइन क्लासेस और सारा हम लोग का जो भी इंटर्नशिप था मैटर करता ऑफलाइन और ऑनलाइन में, तो इसलिए उम्मीद करते आप लोगों के साथ भी प्रॉब्लम ना।
अभी हम लोग जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, वहाँ पे साइन लेना है। अपने साथ अपना लोकल गाइड अरमान भी है। ये देखा केमिस्ट्री लैब केमिस्ट्री लैब केमिस्ट्री नहीं होती हाँ केमिस्ट्री 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 चलो ना पहले आ जाते हैं। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इधर है ब्रो। हाँ सर, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। हम लोग सिविल के बंदे हैं, ये हमारा फर्स्ट टाइम 4 साल की जिंदगी में पहली बार कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में इंटर किया है। इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है पूरा साइन कराना, मतलब क्लियरेंस वॉशिंग कर देते सर थोड़ा सा, कोई सर मैटर नहीं करता सर, कोई फैकल्टी कर सकते डिपार्टमेंट जो भी सर नहीं कर रहे हैं तो भी फैकल्टी तो कंप्यूटर साइंस के सर ने कहा कि तुम बेहतर होगा कि अगर HOD से सिविल से करा लो तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू मीट HOD सर एंड ही इज इन हिज केबिन, फाइंड करना हो केबिन कहाँ उनका भाई इलेक्ट्रॉनिक्स सर। देखो तो शरीफ लग रहा है ना, बहुत शरीफ लग रहा है, ऊपर से नीचे तक खड़ा खड़ा तुम्हें छोड़ी बड़े बड़े हर्ट में लिखा। मैं वो क्रेडिट्स का फॉर्म साइन करा रहा हूँ, पीएससी डिपार्टमेंट में भी सिग्नेचर हो गया। अब रह गया अपना सिविल और इलेक्ट्रिकल का तो ले चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी ही है कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल के भी करा चुके हैं तेरा, हम कराए थे बोले तुम पिछले बार आए थे तब तो और से देखिए शख्स को मेरे से पहले आ करके सारे डिपार्टमेंट से सही करा चुका है। अबे हम अपना बहन को लेके आए थे उस टाइम भी करवा दिए थे थोड़ा एक बहन के भाई, बेसिक ह्यूमन ह्यूमैनिटीज़ वाला डिपार्टमेंट है, यहाँ से भी साइन तुम क्या सिग्नेचर लेना होगा। अगर तुम्हारे कॉलेज में अगर 600 अगर तुम्हारा डिपार्टमेंट है तो 600 डिपार्टमेंट का सिग्नेचर लेना होगा। सिर्फ 5,000 डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट देखो यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है। गुड आफ्टरनून सर, सर सिग्नेचर चाहिए सर आपका दादा सुरेश है, फर्स्ट ईयर में बड़े दिन से थैंक यू। इसका एक उम्र बता रही है सर, ये वाला मैं करना है, उसके लिए करना है। थैंक यू सर। तो ये अपने सुरेश सर के बहुत ही काइंड हार्टेड अपने सुरेश सर थे भाई, हम लोग ये फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाते थे फिजिक्स पढ़ाते थे, बहुत ही सही बहुत ही काइंड हार्टेड टीचर हम लोग को। अब लेना मैथ सर से, मैथ जो दीनबंधु मंडल सर है उनसे मैथ सर से वहाँ का आ गया मैंने। अब देख रहा भाई पसीना पसीना सिर्फ सिग्नेचर कराने के चक्कर में भाई हमको लगता है यहाँ पर शायद 15-16 सिग्नेचर लेना पड़ेगा, इसलिए 16 फैकल्टीज और 16 डिपार्टमेंट। स्टूडेंट सेक्शन क्या है भाई, कोई कॉमन बॉक्स में बता दें। आगे एडमिन पूछ लेते, चलो ये रहा एडमिन, अब एडमिन चलते हैं। एडमिन भैया क्या करना है, मंदू सर से सिग्नेचर कराना है और स्टूडेंट सेक्शन एग्जामिनेशन सेक्शन ट्यूशन सब यहीं पर मुझे पता करना है, थोड़ा सा इंक्वायरी करना है। ठीक है लेट्स गो, हम लोग बंद कर दिया जाए सर, बंद कर दे ब्रो कैमरा जीरो। कुछ नहीं सर, लास्ट डे तो आज रिकॉर्ड कर ले रहे मिलना।
बोला है भाई, जब हम लोग डे स्कॉलर है इवन दो हम लोग क्या रहे हैं, वो हॉस्टल डिपार्टमेंट जो है उनसे साइन कराना कि कुछ तोड़ फोड़ का कुछ केस वेस तो नहीं हम लोग पे। चलो हम सीधे हॉस्टल चलते हैं, तुमको गरीब रथ दिखा देते हॉस्टल का। अरे वो सिविल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट से ले लेते हैं, इसको कहते हैं घर वापसी, गोइंग बैक टू अवर डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग। पीछे चले, पीछे चले, तुम थंबनेल में डालेंगे। संजय जी थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर गिविंग योर टाइम। तो देखो सिविल डिपार्टमेंट से काम हो चुका है, तो सबसे हार्ड काम है वो है जो हॉस्टल डिपार्टमेंट में संजय जी हैं, उनसे मिलना है। कभी मैं देखा रहता है संजय जी, क्योंकि यूजुअली लापता रहते हैं तुम लोग, शायद उन्हें वसूली नाम से भी जानते हो जैसे सर ने बताया, हम लोग तो जान भी नहीं रहे कौन है। चलो मिलते हैं सीधे अब हॉस्टल डिपार्टमेंट में। अपनी देखो बाइक सब खड़ी हुई है, पार्किंग का भी काफ़ी अच्छा। क्या यार गुस्सा आने लगा, यहाँ के जो एक कृष्णा जी हैं और एक संजय जी हैं वो दोनों यूजुअली अवेलेबल है नहीं, एक कोलकाता में रहते हैं एक चाईबासा में रहते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग जो फर्स्ट ईयर हॉस्टल, यहाँ किसी स्टूडेंट के हैंड ओवर कर देंगे, वो साइन करा करके हम लोग को एक लड़का है शिफ्टान करके वो आता रहता है तो उसको हम लोग दे देंगे। बट ये सब क्या मैनेजमेंट को अवेलेबल यहाँ रहना चाहिए। ये फर्स्ट ईयर हॉस्टल एक काफ़ी जर्जर कंडीशन में तुम देखा सकते हो, यहाँ पर जर्मन शेफर्ड दोस्त हम लोग एक काम कर दोगे तो क्लियरेंस के लिए ना, वो संजय कौन है संजय फूड मेज वाले लगते हैं वो अवेलेबल है नहीं है चाईबासा में, एक संजय सर से और एक कृष्णा जो है ना हॉस्टल, हाँ हॉस्टल इन दो से करवा देना सिग्नेचर को ठीक है। हम लोग तो डेस्क वॉलर है, नंबर ले लो सर का, नंबर ले लो, प्रॉब्लम हो तो बात कर लेंगे। साइन करा करके ना जब साइन हो जाएगा तो इन्फॉर्म कर देना, हम लोग किसके हैंड ओवर करना है बता देंगे। तो बस अपना लास्ट स्टेप रहा मैम से ले लेते हैं सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट है प्रोविजनल है, बस वापस निकलेंगे अपना एडमिन ऑफिस। सारा काम हो गया यहाँ पे, काफ़ी हेल्पफुल यहाँ के फैकल्टीज़ हैं जो काम करने में थोड़ा सा हेल्प, थोड़ा सा परेशानी होगा बट ज़्यादा मुझे हेल्प करूँगा। तो देखो भाई ये हमारे जो हॉर्न वगैरह देख सकते हो, आज हम फाइनली टुडे से बिकेम अ इंजीनियर। सो फाइनली टुडे आई कम्प्लीटली माई इंजीनियरिंग, ये कुछ सर्टिफिकेट्स जो हम रश्मि मैम की तरफ से मिला है मुझे, थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी। तो ऑलमोस्ट सारा काम हम लोग को हो गया भाई, डॉक्यूमेंट्स सही से रख लें। तो आज था हमारे इस कॉलेज का लास्ट डे, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे जो कि हमने ले लिया है। अब उम्मीद करते हैं दोबारा इस कॉलेज में नहीं आना होगा, क्योंकि जो भी काम था जो भी पेपर वर्क था ऑलमोस्ट सारा हो गया। वो हम लोग किसके लिए माइक कैरेक्टर के लिए और सीएलसी के लिए वो एक्स्ट्रा 500 हम लोग को पे करना पड़ा, जो कि थोड़ा सा अनफेयर लगा हम लोगों को, एक्चुअल में अनफेयर था वो, क्योंकि इसी कॉलेज के स्टूडेंट है तो कैरेक्टर तो सर्टिफिकेट यही ना देगा। तो बस यही थी आज की कुछ हमारे कॉलेज के कुछ मेमोरीज, और लास्ट डे है थोड़ा सा ख़राब लग रहा है क्योंकि एंडेस कॉलेज में आना नहीं होगा। इससे पहले कब आया? इससे पहले हम लोग आए थे 1998 में हम लोग आए थे। बहुत रेयर हम लोग कॉलेज आते हैं क्योंकि ऑनलाइन चल रहा था सारा। तो चलो आज की जो ये वीडियो छोटी सी एक मेमोरेबल वीडियो आज यहीं पर करते हैं ख़त्म। अगर हमें ये वीडियो अच्छी लगी होगी पसंद आएगी तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो, कीप साइनिंग। तो ठीक है अब मिलते हैं अगले दिन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।